शिक्षा को लेके कदम तो उठ रहा है, बाकी मिल नहीं पा रहा ना सर। नहीं नहीं, नीतियों के साथ नया नया रोजगार भी आया है। अगर आपको लोन लेना है तो 5 लाख के साथ मतलब कम का तो मिल ही नहीं पाएगा। रिसेंटली इतनी सारी घटना हुई है, उसके अनुसार तो हमें कुछ नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है। सुरक्षा तो बीजेपी वालों की तरफ से ज्यादा अच्छा है। एक लेडीज की बात करें तो उनको खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नमस्कार, मैं अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में सियासी हलचलें तेज है। कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश का भविष्य वहाँ का युवा तय करता है। वही युवा इस समय मेरे साथ मौजूद है। मैं इस समय इंदौर में हूँ और तमाम यूथ इस समय मेरे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। हाथ में तिरंगा लिया हुआ है और साथ में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता हैं। आने वाले समय में यही मध्य प्रदेश की दिशा तय करने जा रहे हैं। हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को लेके यूथ क्या सोच रहा है, कितना गंभीरता से मतदान की बात कर रहा है, ये तमाम कोशिशें समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। सबसे पहले मुझे आपका नाम बता दीजिए। कुणाल कोठारे। कुणाल, इलेक्शन आ चुका है, ठीक है, कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं को क्या मिला? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा को लेके कितने बेहतर कदम मान रहे हैं? सर शिक्षा को लेके कदम तो उठ रहा है, बाकी मिल नहीं पा रहा ना सर। जैसे कि अभी लाडली बहन योजना निकली है, जो उसके कारण सरकार ने 9th या 10th की स्कॉलरशिप बंद कर दी है, और बच्चों को भी जैसे 6th क्लास से 5th क्लास इनकी भी स्कॉलर कम आ रही है अभी, वो बहुत सारों की आई नहीं रही है। आई नहीं रही है। यस। कॉलेज को लेकर आप क्या सोच रहे? देखिए, महाविद्यालय को लेकर सरकार लगातार कह रही है, सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय है महाविद्यालय है उसको हमने डेवलप किया है ताकि युवाओं का ज्यादा से ज्यादा आकर्षण उस तरफ। आपको लग रहा है कि महाविद्यालयों में डेवलपमेंट हुआ? अभी बहुत कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। क्या तो होना चाहिए आपके सामने? ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए, ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, थोड़े से आउटडोर भी घुमाने ले जाना चाहिए, सबको अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपको आउटडोर भी थोड़ा सा जरूरी होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जरूरी होना। मैं देख रहा हूँ लगातार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, तमाम मैं मंत्रियों की बात करूं, एक शब्द अधिकांश सुनाई देता है, शिक्षा नीति। शिक्षा नीति को लेके देखिए, शिक्षा नीति का ये कहा जा रहा था कि जब मध्य प्रदेश के अंदर नई शिक्षा हम ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, तो एक अलग ही तरीके की एक शिक्षा की पद्धति बनाएंगे। आपको लगता है कि एक सरलीकरण भी हुआ शिक्षा का यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ना शिक्षा को और प्रभावित करना चाहिए ताकि हर बच्चों पे मतलब हर जगह शिक्षा पहुंच पाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है और मतलब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए जो भी है, तो शिक्षा में और सस्ता होना चाहिए। लेकिन नहीं, शिक्षा सस्ता होने की बात तो ठीक है, लगातार हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन देखिए प्रदेश सरकार की तरफ से या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने बच्चों को अगर पढ़ना है तो लोन की सुविधा भी करवा दी है ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। आपको लगता है? नहीं सर, हमने एक बैंक में अप्लाई किया था लोन के लिए, पर वो बोल रहे थे 5 लाख से कम का लोन नहीं मिल पाएगा। अगर आपको लोन लेना है तो 5 लाख से मतलब कम का तो मिल ही नहीं पाएगा। जैसे हमारी फीस 60,000 है, उस टाइम हमारे पास इस कंडीशन नहीं थी कि हम 60,000 भर पाए, पर हमने एक बैंक में हमने कॉन्टेक्ट किया था कि हमको लोन चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 5 लाख से कम का लोन नहीं मिल पाएगा। 5 लाख का लोन जब मिलता है जब आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, लाइक अब्रॉड या फिर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ सिटी वगैरह। कह जरूर रहे हैं लेकिन इतना सरल तरीके से लोन आप तक नहीं पहुंच रहा। मैं वापस आऊंगा आप तक। अच्छा, सीखो कमाओ के बारे में आप समझ रहे हैं? यस सर। कैसी योजना के बारे में क्या कह रहे? योजना तो अच्छी है सर, बाकी बच्चे समझ नहीं पा रहे उस योजना को, और स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पा रही है लाडली बहन योजना के कारण, मेधावी भी नहीं आ रही है बच्चों की। ठीक है, यानी शिक्षा आप तक वो पूरी बात पहुंच नहीं पा रही, सीखो कमाओ योजना आखिर क्या। कुछ और लोग भी हैं, कुछ और भी बच्चे हैं मेरे साथ, मैं समझ लेता हूँ। मुझे आपका नाम बता दें। मेरा नाम सूरज चौहान है। सूरज, प्रदेश सरकार, क्योंकि अब देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो हमारा ज्यादा फोकस युवाओं पे होगा, युवाओं को रोजगार देने के होगा, और एक आरोप भी ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो युवा है वो पलायन कर रहा है दूसरे प्रदेश में क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार की कमी रह गई, या सरकार जो दावे कर रही है कि 1 लाख रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार मिला है?
जी बिल्कुल मिला है यहाँ पे, और बाकी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है इंदौर में। जैसा कि आप पिछले 15 सालों में देखे, बीजेपी ने यहाँ पे रूल किया है, और अभी आने वाले समय में भी बहुत सारे युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है, और नई नई जो नीतियां आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं अपन मेट्रो के इनॉग्रेशन में खड़े हैं अभी, तो इस मेट्रो से बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है। और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मध्य प्रदेश के युवा पलायन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंदौर में और आसपास जितने भी एमपी के एरिया है, यहाँ पे सरकार ने बहुत सारा रोजगार भी दिया है, नई नई नीतियों के साथ नया नया रोजगार भी आया है, तो जिसके वजह से हम युवा भी संतुष्ट है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। और बाकी आप देख सकते हैं विश्व भर में हमारी कितना हमारा नाम हो रहा है, कैटेगरी के लोग है जो तो थोड़ा कैटेगरी के लोग है जो तो थोड़ा उनको भी और रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, बाकी जो इकोनॉमिकली वीक है उन लोगों को भी अपन करवा सकते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे वो चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो वो भी सब प्रॉपर हो जाए और एक समान हो जाए सब लोग। ठीक है, देखिए कुछ लड़कियां भी हैं, गर्ल्स भी मेरे पास, लाडली लक्ष्मी बहना, लाडली बहना लक्ष्मी योजना, ये तमाम योजनाओं के नाम सुने होंगे आपने सुने। देखिए लेकिन इसके साथ में एक बात और निकल के आ रही है, इस समय हम देख रहे हैं विपक्ष ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का अभाव मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के अंदर। आपको जब आप घर से निकलती है तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? नहीं, अभी तो मतलब गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो यही बोलूंगी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपन को भी चाहिए। लाइक लेडीज की बात करें तो उनको खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। और अपन लोग बाहर जा रहे तो अपन को भी मतलब अपन पूरा ब्लेम ऐसे बाहर के लोगों को नहीं दे सकते। या अपन एटमोस्फेयर की बात कर रहे हैं कि बाहर का ठीक नहीं है, तो अपन को भी बाहर निकल के अपना स्टैंड लेना आना जरूरी है कि अपन कहीं भी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अपन को स्ट्रांग, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी एटमोस्फेयर तो है ही इम्पोर्टेंट। लाइक गवर्नमेंट है तो उन लोगों को अभी बीजेपी की है तो एजुकेशन के क्या सोच रहे हैं, एजुकेशन कैसी रही? यानी मैं बात कर रहा हूँ 2003 से लेके मैं 2018 तक की, हालांकि इस बीच में आप स्कूल्स भी गए होंगे, आप कॉलेज में भी होंगे, तो इस बीच में शिक्षा में कितना सुधार? नो डाउट, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए। बाकी एजुकेशन को लेके तो यही है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, अभी वापस सिलेक्शन हो रहे हैं तो न्यू गवर्नमेंट बनेगी, तो मेन चीज तो वो जनरल ओबीसी एससी एसटी का जो भी है ये चीज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जनरल वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। मोस्टली जनरल वाले टॉप कर रहे होते हैं बट वो कास्ट के वजह से जनरल हो रही है तो लोग पीछे रह जाते हैं हर चीज को लेकर। अहम बात निकल गई, देखिए इस समय मैं मध्य प्रदेश में ये देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश नहीं मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, इस समय हम समझ रहे हैं कि धर्म, राम मंदिर, तमाम चीजों के ऊपर खासी बहस चल रही है। यूथ क्या सोचता है मध्य प्रदेश का, खासतौर पर इंदौर का? देखिए धर्म ज्यादा जरूरी है या एजुकेशन और जॉब? एजुकेशन धर्म दोनों ही जरूरी है, बट वो चीज ये हो जाती कि हम उस चीज को लेके मोटिव ना बनाए या झगड़ा ना करें, जो भी धर्म को लेके विवाद जो भी होते रहते हैं हम उस चीज को एकदम कम तो नहीं कर सकते हैं, बट उस चीज को हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जैसे अभी भी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सभी लोग हैं, हम इस चीज को और आगे प्रमोट कर सकते हैं कि हम ये इक्वल एजुकेशन दें, जो भी जैसे गर्ल्स और बॉयज के लिए इक्वल एजुकेशन की बात की जाती है, तो हमें उस चीज को धर्म के मोटिव से भी देखना चाहिए कि वो चीज धर्म के भी उससे मतलब सबको इक्वली मिले, वो डिस्क्रिमिनेशन की समानता होनी चाहिए, वो किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, किसी भी, चलिए मैं कुछ और भी लोग लेता हूँ। देखिए मैं वहां पे बात समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं अभी अगर लेटेस्ट में आपने देखा उज्जैन में एक बड़ी घटना भी हुई, और लगातार मध्य प्रदेश के अंदर ये बात निकलती जा रही है कि बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। आपको कितना सुरक्षा लगती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं? देखो जितनी होनी चाहिए सरकार की तरफ से बोलते हैं सब सुरक्षा है बट अभी इतनी रिसेंटली इतनी सारी घटना हुई है उसके अनुसार तो हमें कुछ नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है इसके। सरकार कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? सर अगर रात में लड़कियां बाहर निकलती है तो रात में जॉब नहीं कर पाती है, लड़के उन्हें छेड़ते सीटियां मारते, सरकार बोलती है कि हाँ ठीक है हमारी तरफ से सुविधा, पर नहीं हो पाती है, लड़के मानते ही नहीं है ना, गवर्नमेंट भी क्या करे उसमें। यानी थोड़ी सी और व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है, कानून व्यवस्था और ठीक करने की। कुछ और भी यूथ है, मैं इस तरफ भी चलता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ इस तरफ चल के कि आखिर इस तरफ यूथ का क्या कहना है। ये तमाम यूथ है क्योंकि यही आने वाले समय में मध्य प्रदेश का भविष्य गढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य भी लिखेंगे, तो आखिर चुनाव को लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है? इलेक्शंस आ गए हैं, ठीक है, कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार सत्ता में आएंगे, बीजेपी कह रही है नहीं नहीं हमने तो बहुत अच्छे काम किए हम आ जाएंगे। अच्छा
आप क्या सोचते हैं कि कितना काम हुआ मध्य प्रदेश के अंदर और खास तौर पे जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, क्योंकि इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ, इंदौर में कितना विकास? सर बहुत कुछ हुआ है इंदौर में, हुआ है। हाँ सर, हमारे को जैसे बीजेपी ने जो बच्चे पास हुए हैं उनको 70% के ऊपर 25,000 रुपए दिए हैं शिक्षा के लिए आगे, और मामा जी ने बोला है कि और भी कुछ देंगे आगे। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कोरोना काल में भी किसी के माँ बाप शांत हो गए थे तो उनको भी बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ फायदा दिया है, और बहुत कुछ है सर, काफी कुछ है। अच्छा, स्कूटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर भी देंगे, मेरी भांजियां पढ़ेंगी तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मामा ये कह रहे हैं, लग रहा है कि सारी चीजें हो पा रही हैं। हाँ सर, मुझे भी मिले हैं सर 25,000, तो मैं तो एग्री हूँ। कहाँ पर थे आप? मैं एनी बेसेंट में थी। एनी बेसेंट? हाँ, 77% बने थे तो मुझे मिला था, तो मैं ठीक हूँ कि हाँ भाई होना चाहिए। अब चुनाव से, आप जब चुनाव आ रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, अब क्या होना चाहिए? सर अभी तो जिस हिसाब से देखा जाए तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वो अभी ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुए, पर करना चाहिए ना, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है जो आए उनको तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो स्कूल जो गांव के हैं वो अच्छे और अच्छा उनके कॉलेजेस भी। हाँ, गवर्नमेंट वाले कुछ। अच्छा, आप भी मुझे बताइए कि जिस दौरान हम कुछ समय बचा है मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, दोनों ही पार्टी में आपको बेहतर कौन लग रहा है? सर बीजेपी। क्यों? सर बहुत कुछ करा है बीजेपी ने हमारे, जैसे सर अभी 25,000 दिए सबको जो 75% आए, और सर मेट्रो भी करवाई, सर बहुत कुछ करवाया है, इसलिए बीजेपी इज बेस्ट। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है, देखिए मैं खासतौर पर मैं कमलनाथ की बात करूँ, कमलनाथ को पहचानते हैं? यस सर, जानते हैं। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ गए, मध्य प्रदेश के अंदर बच्चियां जो है वो सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर कुपोषण बढ़ गया है, मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है? सर ऐसा है पर पहले से कम है, पर सर गर्ल्स की सेफ्टी आज भी वैसी नहीं है, बहुत पहले से बेटर है पर आज भी गर्ल्स को इतनी सेफ्टी नहीं। ऐसा क्या कदम आप, जब सरकार, आप समझिए कि आप सरकार से मांग कर रही है मेरे माध्यम से, क्या मांग करेंगे आप? सर गर्ल सेफ्टी सबसे पहले, होना जैसे सर लड़कों को हर जगह जाने के लिए मिलता है गर्ल्स को नहीं मिलता है, तो सर गर्ल्स को भी मिलना चाहिए, गर्ल्स को भी मिलना चाहिए। ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और समझने की कुछ और लोगों से भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण गर्ल्स सेफ्टी की बात सामने निकल के आई है, और गर्ल्स सेफ्टी काफी जरूरी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम जो लोग हैं इस समय ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ गर्ल्स और हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ और समझ लेता हूँ। इंदौर से? जी, इंदौर से। चुनाव आ गए, दोनों ही दल कांग्रेस बीजेपी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में अच्छा कौन है? दोनों ही अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, लाइक अगर पहले कांग्रेस भी थी तो भी अच्छा था, बीजेपी है तो भी अच्छा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। सुरक्षा के अंदर? सुरक्षा तो बीजेपी वालों की तरफ से ज्यादा अच्छा है, लाइक 2016 में जो उरिया अटैक हुआ था तो उस पर भी बहुत ज्यादा अच्छा करा था, अभी भी लाइक इंदौर में कितना विकास हुआ? इंदौर में बहुत ज्यादा विकास हुआ, लाइक मेट्रो हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं, एंड भी लाइक आईटी सेक्टर में अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, आईटी सेक्टर की तरफ से भी बहुत अच्छा हुआ, एंड ट्रैफिक रूल्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे, लाइक मोदी जी आए हैं तो बहुत विकास हुआ। मध्य प्रदेश किसकी सरकार आ रही है इस बार? कुछ चुनाव तो आ गए, आप लोग वोट डालने भी जाएंगे, किसको वोट दोगे? बीजेपी। बीजेपी? आप? बीजेपी। आप? बीजेपी। आप? बीजेपी। चलिए, तमाम युवा हैं, बेबाकी से अपनी बात भी रखी और कहा भी कि नई शिक्षा नीति, सुरक्षा, तमाम ये मुद्दे हैं, और इन मुद्दों के ऊपर आज का युवा जागरूक भी है, और ये भी कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा मध्य प्रदेश हमारा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, इंदौर।